सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन क्रैक जेईई एंड नीट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपका काफ़ी स्वागत है हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम नीट और जेईई के किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे मेजर टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्काइल हैलाइड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज खुद में रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आज हमने इसे डिजाइन करा है आपके लिए, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके लिए इस नोट्स को डिजाइन करा है। अब अगर आप ये पूरे सीरीज को देखते हैं, एल्काइल लेयर से हम 2 या 3 लेक्चर्स में खत्म कर रहे होंगे, और यहाँ पे आपको सारी की सारी रिएक्शंस, कैसे हम एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं, कैसे उनकी रिएक्शंस होती है किसी दूसरे कंपाउंड्स के साथ, वो सारा हम इस लेक्चर में देख रहे होंगे। आज तो ये 2-3 लेक्चर का है, तो आज हम जहाँ तक होता है वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ये नोट्स आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी नोट्स जरूर बनाए, और अगर इसकी PDF फॉर्म चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। आप वहाँ पे जाके इसकी PDF लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF से आप पूरी की पूरी नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए, कोई देरी नहीं करते हुए हम चालू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। और जैसा कि अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो काफी अच्छा होने वाला है और यही हमें मोटिवेशन देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे होती है एल्काइल हैलाइड की। तो इसके काफी सारे तरीके हैं, उसे हम पॉइंट आउट करके हम उसे करते हुए चलेंगे। बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन से इनका क्या कहना है? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन कहना है कि अगर हमारे पास एक RH कंपाउंड दे रखा है उन्होंने, और अगर उन्होंने एक हैलोजन कंपाउंड दिया है, H2 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है, अगर वो हमें प्रोवाइड करा रखा है इन्होंने, तो और रिएक्शन हो रही है लाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे RX और HX की फॉर्मेशन होगी। तो अब इसकी मैकेनिज्म क्या है? तो ये जो हैलोजन कंपाउंड है, ये पहले तो टूटेगा अपने 2X डॉट में, जो कि ये रेडिकल्स बनाएगा, फिर एक एक्स रेडिकल ये इनके साथ आके रिएक्शन करेगा। तो ये जब यहाँ रिएक्शन करेगा RH के साथ, तो इस एल्केन ग्रुप के ये हाइड्रोजन को ये बाहर कर देगा, उसे अपने साथ लेके चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक R रेडिकल बनेगा। तो अब ये R रेडिकल और ये जो X रेडिकल था हमारे पास, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये हमारे पास एक RX को फॉर्म कर रहे होंगे, और यहाँ X रेडिकल बचेगा। तो अब ये हमारे पास जो RX का फॉर्म हुआ है, यही हमारा एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब ये जो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर हमारे पास 4 हैलोजन कंपाउंड्स है, तो इसमें रेट किसकी ज्यादा होगी? तो ऑब्वियसली बात है, रेट फ्लोरीन की ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की होगी। तो यहाँ पे जो आयोडीन वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आयोडीन वाली केस में रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, बाकी केसेस में रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। आयोडीन वाली केस के रिएक्शन रिवर्सिबल होने के एक कारण है, उसे हम आगे देख रहे होंगे, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक दूसरा रिएक्शन आता है जो हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन्स से अगर हमें प्रिपेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो एल्कीन्स में जहां तक की बात है, अगर आपका HX कंपाउंड है, तो ये तो अपना टूटेगा, और ये फिर ये इधर टूटेगा रेडिकल में, और ये यहाँ पे आके अटैक करके यहाँ पे एड हो जाएगा। और ये अब हेलोजन ऐड कहाँ होगा? तो जहां पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, वहां पे ये हेलोजन जाके जुड़ने वाला है, यानी कि ये मार्कोनिको एडिशन फॉलो करेगा। अब वही अगर हम हाइड्रोब्रोमिनेशन करते हैं एल्कीन्स की इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो यहाँ पे परोक्साइड को लेने का एक रीजन है, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं लेते हैं तो वो मार्कोनिको एडिशन करता है, लेकिन अगर हम परोक्साइड को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास एंटी मार्कोनिको एडिशन हो जाता है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होने का मतलब, यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रहती है। यहाँ पे हमसे उसे कोई मतलब नहीं होता है कि आपका कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल बन रहा है, यहाँ पे बस हमें देखना है कि हमें एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। जो उसके बाद आते हैं हमारे पास बाई हैलोजिनेशन ऑफ एल्किन्स। हैलोजिनेशन ऑफ एल्किन का क्या कहना होता है? यहाँ पे आपको अगर कोई एल्किन दिया हुआ है और आप Br2CCl4 यूज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट हमारे पास चेंज होता है। CCl4 लेने का मतलब होता है, जब भी आपको CCl4 कहीं पे मिले, तो वहां पे हमें एंटी प्रोडक्ट बनाना होता है, यानी कि जो हम Br2 यूज कर रहे होंगे, वो एंटी पोजिशन पे जाके जुड़ रहा होगा। तो जब हम Br2 यूज करेंगे, तो एंटी पोजिशन पे जाके इन केस ऑफ CCl4 एज अ सॉल्वेंट। अगर हम रिएक्शन करते हैं HOX, यहाँ पे OH हमारे पास एक अलग है और X हमारे पास अलग है, तो जब हम HOX को लेके यूज करते हैं, तो यहाँ पे जब एल्कीन के साथ HOX रिएक्शन करता है, तो OH यहाँ पे ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे आके OH आके इस कार्बन की ओर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, और X हमारे पास इस कार्बन के ऊपर आएगा, क्योंकि जो बेटर न्यूक्लियोफाइल है वो पहले फास्टर अटैक करेगा।
बाई रिएक्शन ऑफ एच टू एच म्यू, इसका यहाँ पे क्या कहने का इनका सेंस है? तो जो बाई रिएक्शन ऑफ हैलोजन लाइट के प्रेजेंस में, इनका कहने का मतलब है कि लाइट के प्रेजेंस में तो वही सिंपल सी रिएक्शन होगी जो हमने ऊपर एल्केन के साथ करा था, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी हमारा यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले कर रहा होगा क्योंकि हमारे पास एल्कीन है। तो जब हमारे पास एल्कीन या एल्काइन वाले केसेस आते हैं तो हमें वहाँ पे स्टेबिलिटी को देखना पड़ता है, क्या स्टेबिलिटी कहाँ पे मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ के एच रेडिकल को फॉर्म करें और यहाँ के एच रेडिकल को फॉर्म करें तो ये वाला पोजिशन हमारे पास बेटर सुटेबल होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रेजोनेंस में आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ का रेजोनेंस हो जाएगा और यहाँ के यहाँ का रेजोनेंस हो जाएगा। तो एक्स रेडिकल यहाँ जुड़ना ज्यादा बेटर चाहेगा कि यहाँ जुड़े। एनबीएस के साथ भी वही केसेस है, यहाँ भी हम स्टेबिलिटी को काउंट करते हुए और देखते हुए हम यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर देंगे। तो बाई हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन, अब एल्काइन के साथ हमें रिएक्शन करनी है और हमने कुछ ले नहीं रखा है सॉल्वेंट के तौर पे और ना ही कोई हमें स्पेसिफाई करा है कि हम इस पोजिशन पे करवा रहे हैं रिएक्शन। तो जो नॉर्मली आपका जो एल्काइन है वो जब हम आप रिएक्शन करवा रहे होंगे तो उस एल्काइन पे अगर नॉर्मली हमने कुछ नहीं रखा है तो, और इस कार्बन के पास दो वैकेंसी है कि ये दो को जोड़ सकता है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल दो हेलोजन लगा के रिएक्शन आगे बढ़ा देंगे। अगर हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन की बात करते हैं तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइन का मतलब अगर, और यहाँ पे हमारे साथ मेंशन कर रखा है डार्क एट लो टेम्परेचर, डार्क मेंटेन करा है, लो टेम्परेचर इन्होंने मेंशन करा है। तो इनका मेंशन करने का एक ही मतलब है कि आपको रिएक्शन को रोकनी नहीं है, जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी से हर जगह पे हेलोजन्स का अप्लाई कर देना है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आता है बाई हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहले इनको अगर करवाना होगा तो इनको पहले एक लुईस एसिड देना होगा। लुईस एसिड देने के लिए AlX3 कुछ देंगे और आपको इनके साथ एक आयरन देंगे जो कि रिएक्शन को रोकने का काम करेगा और रिएक्शन को प्रोसीड करेगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे नॉर्मली हम ऐसा कंपाउंड बना के आगे बढ़ेंगे। और दूसरे जो रिएक्शन आती है इसके बाद बाई हेलोजिनेशन ऑफ एराइल एल्केन्स, अब जो हेलोजिनेशन ऑफ एराइल एल्केन्स हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास पहले टॉलिन दिया रहेगा और हमें वहाँ पे हेलोजन लाइट की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन कराना होगा। तो ये दूसरी जगह पर रिएक्शन कराने के लिए सफिशियंट नहीं हो पाता है तो ये क्या करता है कि यहाँ के ही एच को निकाल पाता है, यहाँ के एच को निकालने में ये सक्षम नहीं होता क्योंकि ये बेंजीन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उतनी ज्यादा ताकत इस ग्रुप के पास नहीं है और हमने किसी चीज को स्पेसिफाई भी नहीं कराया कि किस कंडीशन में है, तो ये नॉर्मल से यहाँ प्रोडक्ट बना के आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात जो आती है हेलोजिनेशन सोज बीटा हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट, यानी कि जब आप रेट की बात करेंगे आइसोटोप में तो हेलोजन बीटा हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि अगर आपको CH4 और CD4 दिया रहेगा तो रेट CH4 का ज्यादा होगा। अब एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है हुंसडिकर रिएक्शन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखें, ये अभी तक की प्रिपरेशन के बाद हमारी ये पहली रिएक्शन है जो कि हम अभी कवर करने जा रहे हैं। तो हुंसडिकर रिएक्शन में मेनली होता क्या है, तो हुंसडिकर रिएक्शन क्या कहता है कि हमारे पास कोई एक सिल्वर एसीटेट है जो Br2CCl4 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हम बनाते हैं RBr AgBr CO2। सबसे पहली बात तो सिल्वर एसीटेट बना कैसे, तो उसके लिए पहले एक कार्बोक्जिलिक एसिड रहा होगा जो AgOH से रिएक्ट करके सिल्वर एसीटेट बनाया। अब सिल्वर एसीटेट को Br2CCl4 से कर रहे हैं तो ये फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये कैसे फॉर्म हो रहा है हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ पे मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जब JEE एडवांस बहुत बार क्वेश्चन कर रखा है आपको, नीट तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पे कौन सा एल्किन बनेगा या कौन सा एल्काइल हैलाइड बनेगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन JEE एडवांस के क्वेश्चन करने का तरीका होता है वो प्रोडक्ट काउंट करवाता है आपका कि अगर हमने ये करा तो हमारे पास प्रोडक्ट में कितने नंबर प्रोडक्ट्स होंगे। आपने बहुत बार देखा होगा पेपर में उन्होंने हुंसडिकर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं प्रीवियस पेपर्स में, तो वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेनली काउंट करवा लेते हैं। तो उसके लिए हमें मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात हम सिल्वर एसीटेट से ही स्टार्ट करते हैं, तो सिल्वर एसीटेट को हम हीट करेंगे तो Ag बाहर आ जाएगा और हमारे पास एसीटेट बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये बॉन्ड्स टूट रहे होंगे तो हमारे पास एक आर्ट डॉट बनेगा, एक CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगी यहाँ पे और एक हमारे पास Ag डॉट बनेगा। तो जो ये आर डॉट है ये तो Br2 के साथ मिलके ये एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देगा, एक Br बच जाएगा। अब वो जो Br बचा वो तो AgBr के साथ वो भैया PPT करके यहाँ पे प्रेसिपिटेट होने वाला है। तो हमारे पास जो एसीटेट बचा था, सारे एसीटेट तो रिएक्शन में पार्ट नहीं करते हैं, जो एसीटेट बचा था वो एसीटेट ये बचे हुए वाले, क्योंकि सारे
एक साथ खत्म नहीं होते हैं, कुछ उसमें से बच जाते हैं। तो जो आर बचा था हमारे पास एल्काइल ग्रुप और जो एसीटेट था, वो दोनों कभी कभी आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और वो एस्टर की फॉर्मेशन कर देते हैं। एस्टर जो कि फ्रूटी स्मेल का होता है, आपने ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्टर्स की पहचान है हमारे पास फ्रूटी स्मेल। अब जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, जैसे कि टॉलिन दिया हुआ है, उसकी आप ऑक्सीडेशन करा दिए तो CH3 यहाँ पे COH में कन्वर्ट हो गया। ये ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में है, इसे भी हम कवर करेंगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स के बाद, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी एक बहुत काफी मेजर पॉइंट रखता है अपने साथ। तो जब COH आ गया तो हमारे पास तो अब एसिड आ गया, अब उसके हम रिएक्शन AgOH के साथ करवाएंगे और हम सिल्वर एसीटेट बनाएंगे। अब जब सिल्वर एसीटेट बन गया तो हम हीट करने के बाद सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे और ये एल्काइल एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड बना देंगे। उसी तरह से ये दूसरी रिएक्शन है, यहाँ पे वो प्रोडक्ट काउंट करवा सकते हैं। ये चेन रिएक्शंस हैं, यानी कि एक साथ आपको 6-6, 7-7 रिएजेंट वो प्रोवाइड कराएंगे और आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जानी होगी और आपको एक वो फाइनल प्रोडक्ट पूछेंगे, ये 7 रिएजेंट्स के बाद आपने फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाया। तो अब जब आप आगे इसी तरह बढ़ते हुए जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पास एसिड दे रखा है उन्होंने, आपने AgOH लिया, आपने सिल्वर एसिटेट बनाया, यहाँ तक सेम बात आ रही है। अगर आपने Cl2 लिया है तो RCl, AgCl और CO2 बनाएंगे, वो जो RBR का था वो भी चलिए वहां तक भी सेम है। लेकिन यहाँ पे जो ये क्या है ना, क्लोरीन का एक अपना एक यूनिक यहाँ पे अपना वो नेचर दिखाता है, क्योंकि बिकम्स ये बहुत रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करता है कि ये पॉलीक्लोरिनेशन कर देता है, यानी कि RCl के साथ ये पॉलीक्लोराइड बना देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है यहाँ पे, जो आपने हमें ऊपर हमने देखा था कि आई वाला जो था रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहा था, तो आखिर वो क्यों कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पे I2 भी लेते हैं तो RI का फॉर्मेशन करते हैं और वो CO2 इवॉल्व होती है और हमारे पास AgI आता है। बट क्या है कि I इज ए गुड लिविंग ग्रुप और RI अगेन रिएक्ट्स विद द सिल्वर सॉल्ट टू फॉर्म द एस्टर। यहाँ पे क्या होता है कि I तो बेटर लिविंग ग्रुप है क्योंकि HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो I क्या करता है यहाँ पे रुकता नहीं है, यहाँ पे इसके साथ ये बॉन्ड तोड़ देता है और ये तोड़ने के बाद सिल्वर एसिटेट से रिएक्ट करने के बाद एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है। इस केस में आपका एस्टर इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन बहुत ही ना के बराबर होती है। आई एल्काइल ग्रुप के साथ रहना पसंद ही नहीं करता है क्योंकि वो तो बेटर लिविंग ग्रुप है और वो लिव करेगा ही करेगा। अब हमारे पास एक दूसरी रिएक्शन आती है जिसे हम बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। अब इस हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर हमारे पास 3-4 टाइप्स की रिएक्शन हो जाती है जो कि हम समझते हैं। ये नीट वाले काफी ज्यादा इसे यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। पहला हमारे पास रिएक्शन आता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। इससे आप नोट करते हुए चलेंगे सारी रिएक्शंस को एक जगह तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एल्काइल फ्लोराइड दिया हुआ है इन्होंने, NaI एसीटोन हम यूज करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन में। बहुत बार वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो हम एसीटोन यूज करने का एक रीजन होता है क्योंकि जो आयनिक हैलाइड्स होते हैं वो एक ही कोवेलेंट में सॉल्युबल होते हैं जो कि एसीटोन है, वो एसीटोन के अलावा दूसरे में सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। तो हम RF, RCl, RBR का यहाँ यूज करेंगे, RI का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सामने हमारे पास NaI ही है। तो NaI एसीटोन से यूज करके हमने ये बना दिया, ये हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है कि आप फ्लोराइड लेके आए और आप आयोडाइड लेके जा रहे हैं। वही बात यहाँ पे उन्होंने वर्ड्स में लिख रखी है, ओनली NaI इज सॉल्युबल इन एसीटोन बिकॉज इट इज कोवेलेंट एंड ऑल अदर्स आर आयनिक बट नॉट सॉल्युबल, ओनली कोवेलेंट्स आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट इज एसीटोन। अब उसी तरह से उसका कुछ ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल को आप जरूर देखें, ये सब काफी सिलेक्टेड एग्जांपल्स हमने मेंशन करे हैं यहाँ पे, तो इस एग्जांपल्स को आप जब देखिएगा तो ये आपको बहुत क्लैरिटी मेंटेन करेगा। अब इसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन मेनली नीट और JEE मेंस में पूछ लेते हैं, वो नॉर्मल सी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई ये नहीं है। CH2F है, यहाँ पे CL है, NaI एसीटोन दिया। अब आप तो सोचेंगे कि CL इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन दैट, तो चलिए हम CL को बाहर निकाल देते, लेकिन नहीं, बेंजीन की भी कुछ कंडीशंस होती है। हर केस में बेंजीन अपने साथ वाले ग्रुप को नहीं छोड़ता है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से आप फ्लोरिन को ही ले जाना ज्यादा अच्छा समझेंगे और वही निकलता ही है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये रिएक्शन यूज किया जाता है बिकॉज आयोडाइनाइजेशन इज रिवर्सिबल, क्योंकि आप हमने ऊपर भी देखा था I2 वाला जो रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर आयोडीन प्रोडक्ट। अब जब वो रिवर्सिबल होता है ना, तो क्या होता है कि जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन लेके गए तो बैकवर्ड ही उतनी जल्दी से वो चला जाता है,
वो काफी मुश्किल होता है आयोडाइड प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे एनएआई एसीटोन का यूज करते हैं जो कि फिंगरप्रिन रिएक्शन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन आता है वो आता है हमारे पास बाई स्वार्ट्स रिएक्शन। अब बाई स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या कहता है अब इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें सिल्वर फ्लोराइड दिया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिल्वर फ्लोराइड एक्वास मीडियम के अंदर। तो ये स्वार्ट रिएक्शन में आपने सिल्वर फ्लोराइड तो दे रखा है, बट सिल्वर होता है महंगा, हम ज्यादा इसे यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर हमें सिर्फ फ्लोराइड बनाना है तो हम बार बार सिल्वर की तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि एक्वस मीडियम में फ्लोराइड के अलावा बाकी सारे हैलाइड्स सारे प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो अब हमें तो बनाना है फ्लोराइड। अब फ्लोराइड बनाने के लिए हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हम वहां से बना सकते हैं दूसरी बात। और हमारे पास और भी दूसरे रिएक्शन से जहां से हम बना सकते हैं, सिल्वर को लेना हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में ये भी बात आती है कौन सा मेथड आपका सस्ता है। सस्ता बोलने का मतलब इंडस्ट्री के टाइप से विजन से कौन सा आपका सस्ता मेथड है। अब सिल्वर लेके कंपनी अपने आप को लॉस में नहीं डाल रही होगी। ओनली सिल्वर फ्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर्स आर प्रेसिपिटेट, सो ओनली AgF इज फॉर्म्ड। द यूज ऑफ दीज रिएक्शंस इज दैट द फ्लोरेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड वी यूज इट टू फॉर्म फ्लोरो प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ये आप एग्जाम्पल्स को जरूर देखें। एग्जाम्पल्स को आप एक बार नोट कर लेंगे और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी हमने मेंशन करा है प्रोटिक में, इन प्रोटिक में जस्ट उसका ऑपोजिट। तो अब सॉल्वेंट तो अब सिल्वर तो है महंगा, तो हम क्या यूज करें कि हमें फ्लोराइड बनाना है, तो हम सिल्वर की जगह यूज करेंगे KF DMF। यहाँ पे DMF क्या है कि DMF हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं कोई बात नहीं, बस हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी की रेट उल्टी हो जाती है। जो हमारे पास आई बेटर न्यूक्लियोफिल लिविंग ग्रुप होता था, अब यहाँ पे फ्लोराइड का सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा, यानी कि फ्लोराइड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल हेयर। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक सस्ता मेथड है तो हम यहाँ पे उसको कर लेंगे। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी आई है जो NAI एसीटोन के साथ हमने वहां पे करा था। We can also use KCl DMF to replace Br and I, similarly to KBr DMF for I, but there is no meaning of Ki DMF. Ki DMF use करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आयोडाइड बनाने के लिए हमारे पास पहले से ही एक बहुत ही अच्छा NAI एसीटोन वाला रिएक्शन है। तो यहाँ पे स्वार्ट रिएक्शन में हमने देखा कि हम AgF को जनरली यूज नहीं करते हैं, बट आपको AgF के द्वारा ही स्वार्ट रिएक्शन को याद करना होगा कि स्वार्ट रिएक्शन था जिसमें हम AgF यूज कर रहे थे एक्वस मीडियम के अंदर। अब तीसरा रिएक्शन आता है जिसमें हम हैलाइड एक्सचेंज करते हैं बाय यूजिंग रिग्नार्ड रिएजेंट। रिग्नार्ड रिएजेंट से हम पहले से ही वाकिफ हैं कि ये कैसे रिएक्शन करता है, तो ये उसके मैकेनिज्म है और ये कैसे वो अटैक कर रहा है और कैसे अपना प्रोडक्ट बना रहा है। और अब आती है बात रिएक्शंस की, अल्काइल हैलाइड भाई अब रिएक्शंस करेंगे, तो अब रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो। अगर अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 PCl3 और SOCl2 की, प्रोडक्ट आपको मिलने वाली है सेम, जो आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे वो सेम आने वाले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास तीन है, उसमें से बेटर कौन सा है ये हम कैसे पता करेंगे। हमारे पास PCl5 है, PCl3 है, थायोनिल क्लोराइड है जो कि SOCl2 है, इसमें से बेटर कौन है। अगर आप तीनों सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हमारे पास कौन सा बेटर है, तो बेटर को पता करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। ये एक मेथड होता है जिसमें हम OH ग्रुप्स को हटा के CL ग्रुप्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्या है ना कि जो ये SOCl2 है, इन PCl5 POCl3 इज लिक्विड एंड इन PCl3 H3PO3 इज लिक्विड। एज वी हैव टू लिक्विड्स देन वी हैव टू सेपरेट अल्काइल हैलाइड फ्रॉम दिस मिक्सचर, हमें यहाँ पे सेपरेट करना पड़ता है, ये थोड़ी सी मेहनत भरी काम हो जाती है। बट इन SOCl2 SO2 एंड HCl बोथ आर गैसेस, हेंस देयर इज नो नीड ऑफ सेपरेशन, वो गैसेस हैं तो वो खुद ही फुर हो जाएंगी ऊपर की तरफ और वो खुद ही उड़ जाएंगी, तो जनरली हम SO2 को प्रीफर करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम ये कौन सा हम प्रीफर करते हैं, तो हम जनरली बोलेंगे कि हम SOCl2 को प्रीफर करते हैं यूज करने का। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, जैसे फेनॉल को PCl5 के साथ आपने रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे ना OH बदलने की बजाय यहाँ पे एक TPP फॉर्म हो जाता है जो कि हम बोलते हैं ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। सेम अगर PCl3 भी हम यूज करते हैं तब भी हमारे पास TPP फॉर्म हो जाता है। अगर हम CH2OH OH यूज करते हैं तो यहाँ पे
ये यहाँ पे लगता है, नीचे नहीं लगता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, इसे हम ध्यान रखेंगे। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ गया है, तो इसे हम स्टार मार्क करेंगे कि ये क्या करना है, बाय रिएक्शन विथ एचएक्स। अब एचएक्स के साथ रिएक्शन काफी मजेदार होती है। अगर आप अल्कोहल को एचएक्स के साथ हैलाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो आपके पास बेसिक अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, वाटर रिलीज होगा। इसकी मैकेनिज्म भी काफी सिंपल है। तो यहाँ पे कुछ लैंग्वेज ऐसे हम पढ़ते हैं, ये क्या वो कहना चाह रहे हैं। विथ एचएक्स लिविंग ग्रुप इज H2O, दैट इज न्यूट्रल, हेंस गुड लिविंग ग्रुप। विथ KX लिविंग ग्रुप इज OH-, विच इज नॉट गुड, रादर OH- अगेन रिएक्ट्स विद RH2 टू रिवर्स द रिएक्शन। अगर हम KX यूज करते हैं तो वहां पे लिविंग ग्रुप OH हो जाता है। OH वाटर से अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जाता है, क्योंकि OH दोबारा अटैक कर देता है, उसे एक बार में मन नहीं बढ़ती, उसकी ज्यादा चाहत होती है इनके प्रति। वो क्या करते हैं ना कि रिएक्शन को ऐसी की तैसी करके वो फिर से रिवर्स करा देते हैं रिएक्शन की, जो कि उससे कोई आगे फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होती, बल्कि जितनी भी रिएक्शन हुई रहती है वो सारी बैकवर्ड की तरफ से चली जाती है। हेंस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल अकर्स ओनली इन एसिडिक मीडियम, इट डजंट अकर इन बेसिक और न्यूट्रल मीडियम। एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी हम समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ROH को आप HI के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आप RI फॉर्म करते हैं, बट वही आप अगर KX के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको कोई फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ऊपर वो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ चली जाती है। उसी तरह कहीं भी HX के साथ HI के साथ आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, लेकिन कभी भी आपको KX के साथ रिएक्शन देखने को जनरली नहीं मिल रही होगी। आप HCl4 KI यूज कर सकते हैं, उसके साथ आपको बेसिक रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब आती है बात की प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन। जनरल फॉर्मूला प्राइमरी अल्कोहल का हम सब जानते हैं, RCH2OH सिंगल डिग्री अल्कोहल। भैया अब HCl के साथ हमने रिएक्शन करवा दिया तो यहाँ पे ऐसे ऐसे रिएक्शन होके RDS आया। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, बट यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आता है। तो यहाँ पे वो चीज मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है तो रेट डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट की तरफ चला जाता है, कि जो क्राउडिंग होगा भैया यहाँ पे हम क्राउडिंग वाले पोजीशन पे हम नहीं कर रहे होंगे रिएक्शन। क्राउडिंग रहेगी, रिएक्शन नहीं होगी, क्राउडिंग कम रिएक्शन जल्दी होगी। वही यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मोर द क्राउडेड डिफिकल्ट टू फॉर्म, हेंस मिथाइल अल्कोहल अंडरगोज दिस रिएक्शन एट द फास्टेस्ट रेट, सो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो दिस मैकेनिज्म, ओनली प्राइमरी अंडरगोज ड्यू टू द लेस क्राउडिंग। सेकेंडरी और टर्शियरी क्या होता है कि यहाँ पे अल्कोहल रिएक्शन नहीं करता है, थोड़ा मुसीबत से सेकेंडरी कर भी लेगा तो टर्शियरी बेसिकली नहीं करता है क्राउडिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रांजिशन स्टेट वाली बात है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर जो ट्रांजिशन स्टेट में है तो प्राइमरी अंडरगो तो कर जाता है, लेकिन वो दोनों को उनको थोड़ा दिक्कत होती है। एज ब्रांचिंग इन बीटा कार्बन क्राउडिंग इन ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीजेस, हेंस रेट डिक्रीजेस, क्योंकि अब उसके साथ क्राउडिंग अगर आपने बढ़ाया तो रेट आपका रिएक्शन का डिक्रीज हो जाएगा। सो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर आपने ये लिया, आपने HX लिया, आपको ये मिला, आपने ये लिया, आपने HX लिया, रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि आपने क्राउडिंग करा। ये SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म बेसिकली नहीं होती है उस केस में जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली SN2 फॉलो करता है, तो SN2 का भी सिमिलर होता है कि भैया अगर आपने क्राउडेड बना के रखा है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं। अब प्रोटिक सॉल्वेंट में बिकॉज HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हम सब जानते हैं HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, I- बेटर लिविंग ग्रुप है प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। अब लेकिन अब 2 or 3 degree अल्कोहल है तो रिएक्शन तो होगी, अब कैसे होगी ये इंपॉर्टेंट है, बट होगी तो अब कैसे करें हम रिएक्शन। तो उसकी रिएक्शन करवाने के लिए क्या है, हमें पहले कार्बोकेटाइन बनाना होगा, हमें ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू नहीं जाना होगा। ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाएंगे तो हम तो फिर तो SN2 की तरफ आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे इसको फॉलो करना होगा, दैट इज आवर द मोस्ट लविंग SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को जब हम लोग फॉलो करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सही है, यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाएंगे ही नहीं, यहाँ पे हम पहले ही कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कर देंगे, जैसा कि यहाँ हमने कर रखा है कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन।
अब जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तब तो धड़ाक से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी और यहाँ पे आके H प्लस आपका जुड़ जाएगा। दिस अंडरगो बाई एस एन वन मैकेनिज्म बिकॉज द कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल इन 2 and 3 degree ओवरऑल ऑर्डर। टर्शियरी सबसे आगे, फिर यहाँ तो प्राइमरी का स्लो हो जाएगा, तो उनके लिए ये रिएक्शन सुटेबल है। अब बेसिकली जब हम देख रहे हैं HF इज प्रैक्टिकली नॉट यूज, हाइड्रोजन फ्लोराइड हम यूज नहीं करते हैं, HF का एक अलग ही अपना होता है, उनके साथ कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो बातें हो गई होती है, तो हम HF बेसिकली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमें फ्लोराइड्स बनाना है हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम KF DMF को यूज कर सकते हैं, AGF है, अगर आपके पास पैसा है तो आप AGF यूज कर सकते हैं, तो आप वहां स्वॉर्ड्स रिएक्शन यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर बेसिकली HF यूज नहीं करेंगे। अब जब बात आती है हमारे पास कि भैया अब हमारे पास है एल्कोहल, ठीक है एल्कोहल है हमारे पास, अब यहाँ पे तो हम करा रहे हैं हम SN1, तो SN1 में तो रीअरेंजमेंट भी होती है, तो अगर हमारे पास 1 degree है और हमारे पास चांस है कि हम उसको 3 degree बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट भी होगी, और अगर रीअरेंजमेंट होगी तो हम बेटर कार्बोकेटाइन भी बनाएंगे। अगर हम बेटर कार्बोकेटाइन बना रहे हैं तो हम बेटर कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी आएगी और हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होगा, जो कि ऐसा है। और जब अब यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जो ऊपर रिएक्शन नहीं हो रही थी क्योंकि SN2 की वजह से, क्राउडिंग की वजह से, अब तो यहाँ पे अगर ये मिलता है हम तो तुरंत उसको रीअरेंजमेंट करा के 6 degree की रिंग लाएंगे और वहां पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे आता है HClZnCl2, जिंक क्लोराइड इज यूज एज द कैटलिस्ट एज दिस रिएक्शन इज द स्लोएस्ट अमंग ऑल अदर्स। अगर हम RCH2OH ले ले, अगर HCl ले ले, ये काफी ज्यादा स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ही नहीं होने चाहती है, हमें तो रिएक्शन करवानी है, कैसे करवाए, हम एक कैटलिस्ट यहाँ यूज कर देते हैं दैट इज जिंक क्लोराइड, उसके बाद ये रिएक्शन काफी ज्यादा पूछी जाती है। आप इसे ध्यान रखेंगे एल्कोहल के रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, ये रिएक्शन काफी ज्यादा वो पूछते हैं, ये रिएजेंट की वजह से, ये कैटलिस्ट की वजह से ये काफी ज्यादा प्रचलित रिएक्शन है, इसे आप याद रखेंगे। तो कार्बोनिल्स क्या है, अब कार्बोनिल्स के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, ये जो कार्बोनिल्स के साथ हम रिएक्शन करा रहे होंगे PCl5 सबसे पहले हमने यूज करा, कैसे कराएंगे रिएक्शन, इसे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज होगी उनकी, अब कंपाउंड है तो कुछ प्रॉपर्टीज तो होती ही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट इट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाता है, वेदर इट इज SN1 और SN2 दैट डजंट मैटर, बट ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद एक्वस NaOH। अब एक्वस NaOH के साथ ये रिएक्शन तो करता है, बट क्या है ना कि नो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और NaOH एक बेस अच्छा है, हम इसे आयनिक में बहुत अच्छा बेस मानते हैं, बट ऑर्गेनिक में क्या है ना कि जब बहुत सारे कंपाउंड होते हैं तो यहाँ पे हमें उतना ज्यादा इसे स्ट्रॉन्ग बेस हम नहीं मानते, तो ये क्या है हम जनरली ये यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करा दिया, यहाँ पे हमारे पास अगर हम NaOH ले रहे हैं तो ये हमारे पास SN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। वेदर अगर हमने इलिमिनेशन कराना है कि नहीं, हमें तो चाहिए कि भाई हम तो H+ X को हम उठा के ही फेंकना चाहते हैं, उस केस में हम KOH यूज कर रहे होंगे, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम समझते हैं, आपने NaOH यूज किया, आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दी, हमने एक्वस KOH यूज किया विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, देन हमने यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन कराया। आप समझ रहे हैं कि आपने X को सीधा उठा के फेंका, आपने एल्कीन फॉर्म करके दे दिया, उसी को हमने यहाँ कॉन्सेप्ट को सब्स में वर्ड्स में लिख रखा है, आप उसे देखिए आपको काफी अच्छा लगेगा। जो मोनो हैलाइड्स है ये आप एक बार इस रिएक्शन को जरूर देखिए, चेन रिएक्शन है ये, इसके फाइनल प्रोडक्ट्स को आप देख रहे हैं, यहाँ 1 degree एल्कोहल हमने बनाया, यहाँ अगर आप डाई हैलाइड लाएंगे, अगर आपके पास 2 हैलाइड है तो हम यहाँ पे एल्डिहाइड भी बनाते हैं, और अगर आपने ट्राई हैलाइड लिया है तो हम तो उसे सीधे कार्बोक्जिलिक एसिड बना देते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है, इसको आप पॉइंट आउट कर लें, अगर हमारे पास मोनो हैलाइड है हम उसे एल्कोहल बना देंगे, डाई हैलाइड है हम उसे एल्डिहाइड बना देंगे, अगर हमारे पास कार्बोक्जिलिक एसिड है तो हम उसे कार्बोक्जिलिक एसिड, हमारे पास ट्राई हैलाइड है तो हम उसे कार्बोक्जिलिक एसिड बना देंगे। बट इन टर्शियरी हैलाइड्स इवन एक्वस NaOH इज इनफ सफिशिएंट फॉर इलिमिनेशन, अगर हमारे पास ट्राई हैलाइड है ना
हमारे पास कुछ कोई जरूरत नहीं है कि हम KOH को ही लाएंगे तो रिएक्शन को इलिमिनेट कर पाएगा. टर्शियरी के केस में एक्वस एनोएच इज इनफ सफिशिएंट फॉर दैट. ओके, सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन कि क्या हम KOH का अलावा भी कोई यूज कर सकते हैं इलिमिनेशन के लिए. बिल्कुल कर सकते हैं अगर हमारे पास टर्शियरी हैलाइड है तो. अब हमारे पास एक आता है उर्ज रिएक्शन. नाउ अब हम उस केस में आ गए हैं जहां पे हमें चेन को लंबा करना है. अब चेन को लंबा करने के केस में हम क्या करना है कि हमारे हमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ानी है. अब एल्डिहाइड है, हम सोडियम लिए, हम RR फॉर्म किए, दो R आ गए, हमारे पास चेन हो गई बड़ी. कपलिंग विथ विगनार्ड रिएजेंट इन द सेकेंड वन विच वी कैन यूज टू फॉर्म द लॉन्ग चेन. वी हैव कोरेहाउस सिंथेसिस विच इज आवर थर्ड which can be used to form long chains. Alkylation of alkynes are used to form the long chains. This is the fourth one which we can use to form. Now we have reaction with ammonia. Now ये एक अलग scenario में हमारे पास आता है reaction with ammonia. RCH2X, इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम next वाले part में discuss करते हैं यहाँ से, जो कि हम नेक्स्ट वाले पार्ट में इसे डिस्कस कर लेते हैं. और यहाँ तक आज के लिए इतना काफी रहेगा. और आपको बता दें अगला पार्ट इसका जो आएगा एल्काइल हैलाइड पार्ट 2, वहाँ हम रिएक्शन विद अमोनिया से स्टार्ट कर रहे होंगे. आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको बिल्कुल एक सटीक और रिलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रिलेवेंट आपको चीजें मिलेगी जो आपके डायरेक्ट एग्जाम से रिलेटेड होगी. कोई हम फालतू की चीजें यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे होंगे. हम बस अपने जो एग्जाम में कैसे बेटर परफॉर्म करना है हमें, हम बस उसी चीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे. तो चलिए फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में. और हाँ, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, हम एक बहुत ही अच्छा आपके लिए मेजर टिप्स लेके आ रहे हैं जो 45 डेज से आप अगर यूज करते हैं 30 डेज 45 डेज के लिए आपको काफी बेनिफिट मिलने वाली है. वो एक आपके स्ट्रेटेजिक वीडियो टाइप होगी, एक आपको टाइम टेबल वीडियो टाइप होगी, जिसे JEE नीट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट या फिर बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट कोई भी यूज कर सकते हैं. इवन आई रिकमेंड एवरीवन टू यूज दैट रूटीन ओनली. अगर आप बिजनेस में है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, इवन आई यूज द सेम रूटीन इन माई लाइफ ऑल्सो. सो वो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है. अगली वीडियो हमारी वो भी आएगी और हमारे पास एल्काइल हैलाइड पार्ट 2 भी आएगा. सो चलिए हम मिलते हैं. सी या.